इंडिया अभी कोरोना के खतरे से उभरी भी नहीं थी, उसका ट्रीटमेंट हमने ढूंढा भी नहीं था कि एक नई संकट आ गई है। जी हाँ, हंता वायरस नाम का एक जो है नया वायरस अभी चीन में मिला हुआ है। तो इसको एक बदकिस्मती या क्या कहा जाए, इसके लिए तो शब्द नहीं है फिलहाल, लेकिन हंता वायरस नाम का एक नया वायरस आया हुआ है जो उससे ज़्यादा जानलेवा है। जो हंता वायरस है इसके बारे में विस्तार से जानते हैं कि क्या है वायरस, कैसे ये फैलता है और इससे अभी तक कितनी मौतें हो चुकी हैं चीन में या फिर दूसरे शहरों में। हंता वायरस जो है, तो हंता वायरस के कारण एक एक के मरने की जो है जानकारी है फिलहाल चीन से, ऐसी जानकारी वहां से आ रही है। चीन में ये जो मौत हुई है, ये जो जिसकी मौत हुई है, ये जो यात्री था बस में, जो है बस में सफर कर रहा था और उसके साथ जो 32-35 जो और भी पैसेंजर थे उनको भी, उनकी भी जांच की गई है, फिलहाल उनको निगेटिव पाया गया है। हंता वायरस से जो मरने के चांसेस हैं, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इससे जो मरने के चांसेस है ये 38% है। इसके पहले जैसे कि मैंने वीडियो में आपको बताया था कि जो वायरस जितनी तेजी से स्प्रेड होता है उससे मरने के चांसेस उतने कम होते हैं, लेकिन इस ये वायरस जो है तेजी से स्प्रेड नहीं होता, ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्ट होने से स्प्रेड नहीं होता। ये जो वायरस है, ये जो स्प्रेड होता है, ये चूहों की वजह से होता है। अगर आप चूहों के संपर्क में आते हैं, उनके लार के, उनके बलमूत्र के संपर्क में अगर आते हैं और फिर वही हाथ आप अपने चेहरे पे, अपनी त्वचा पे यूज करते हैं, तो इस बीमारी से इन्फेक्टेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हंता वायरस के जो सिम्टम्स हैं, बुखार, शरीर दर्द, सिर दर्द और बॉडी में पेन होता है और इसके अलावा उल्टी भी हो सकती है। तो ये सब, ये जो है कुछ सिम्टम्स हैं हंता वायरस के। हंता वायरस से इन्फेक्टेड पर्सन की अगर हालत बिगड़ने लगती है तो फेफड़ों में जो है पानी भरने लगता है और सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है। आंकड़ों की माने तो इस वायरस से 2019 में 9 डेथ इससे हो चुकी है और जिस जगह पे ये पेंटागन में जहाँ ये मामला आया है वहाँ पे 60 और लोगों को इससे इन्फेक्टेड पाया गया और उन लोगों को अलग थलग करके रख दिया गया। और फिलहाल सबसे बड़ी बुरी खबर यह है कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो क्या जो है, और जब से ये हंता वायरस की खबर आई है तब से ट्विटर पे इसका जो हैशटैग हंता जो है काफ़ी ट्रेंड में आ गया है। तो क्या इसे एक बहुत बड़ा संकट दोबारा से माना जा सकता है? और जैसा कि मैंने बताया, इस बुरी खबर यह है कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो अभी तक कोरोना वायरस से हम उभरे भी नहीं थे कि एक हंता वायरस गया है। तो क्या अभी इसके लिए दुनिया किस तरह से कदम उठा आती है, देखने वाली बात होगी। इसके पहले भी मैंने वीडियो में बताया था कि कोरोना वायरस के चलते जो हम सैनिटाइजर और हैंड वॉश वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं, जाहिर सी बात है कि कोरोना वायरस के बाद एक नई स्किन कोई प्रॉब्लम आना स्वाभाविक है, क्योंकि इतना ज़्यादा केमिकल का यूज़ हम अपनी स्किन पे कर रहे हैं तो उसका कोई ना कोई बुरा इफेक्ट तो हो सकता है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। हैव अ नाइस डे।